बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना सीखे हैं, राइट। सो आज के सेशन में बच्चों, हम लोग फोकस करेंगे मेनली मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है बच्चों, लोग बारी बारी से सारे पार्ट्स को करेंगे। देखो पहला पार्ट क्या है, यहाँ दो ही क्वेश्चन दिया है हम लोग को, x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो सबसे पहले क्या करो, दोनों को लिख लो यहाँ पे, ठीक है। सॉल्यूशन 1, यहाँ क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन 1 और इसको बोल देंगे इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, x को y के टर्म में या फिर y को x के टर्म में चेंज कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 14 माइनस x, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो हम लोग पहले इक्वेशन से क्या किए, हम लोग y को x के टर्म में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। अब इस 3 को क्या करेंगे, हम लोग सिंपली बच्चों उठा के 2 में डाल देंगे। तो पहले वाले को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, और फिर जो भी हम लोग को मिलेगा उसको दूसरे में डाल देना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। इसी को बोलते हैं हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो यहाँ लिखो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को बच्चों डालने से, देखो। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, y का वैल्यू डालना है, ठीक है। सो x माइनस 14 माइनस x, ठीक है, ब्रैकेट का प्रॉपर यूज़ करना, ये तो साइन में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर डाल दिया उठा के, तो हम लोग को ये मिला, ठीक है। दिस इम्प्लाइज x माइनस 14 और यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, तो प्लस x इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये 14 क्या होगा, उठ के इधर चला आएगा, ठीक है। एक तरफ हम लोग को रखना है वेरिएबल, एक तरफ रखना है हम लोग को कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 2x, देखो x प्लस x क्या होता है, 2x होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 14, फिर 2x इज इक्वल टू 18 एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 18 बाई 2 हो जाएगा, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, 18 बाई 2 इज इक्वल टू 9, तो x का वैल्यू कितना आया, 9 आया, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग के पास y का एक स्टेटमेंट है, y इज इक्वल टू 14 माइनस x, इसमें हम लोग x का वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3, ठीक है, पुटिंग एंड सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3, वी गेट y इज इक्वल टू 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो हम लोग का x का वैल्यू बच्चों कितना आया, 9 आया, और y का वैल्यू कितना आया, 5 आया। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये हम लोग का वैल्यू आया। तो हम लोग सॉल्व कर लिए बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, बहुत ईजी प्रोसेस है बच्चों, समझ में आया होगा आप लोगों को। चलो दूसरा वाला करते हैं, दूसरा वाला क्या है, देखो यहाँ पे, ठीक है, पार्ट 2, यह है s माइनस t इज इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। सो इसको हम लोग बोल देंगे अपना इक्वेशन 1, इसको बोल देंगे इक्वेशन 2, ठीक है। अगेन क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, वी हैव s इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे, s को मतलब t के टर्म में, यहाँ पे t को s के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो s इज इक्वल टू क्या लिखो यहाँ पे, 3 प्लस t, ठीक है, इसको नाम दे दो 3, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। नाउ फिर लिखो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, 3 को 2 में हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, विकेट क्या मिलेगा बच्चों हम लोगों को, तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ लिख दो 3 प्लस टी, देखो यहाँ पे s लिखा है ना, वहाँ पे हमको लिखना है इसका वैल्यू 3 प्लस टी का, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसको,
थ्री को हम लोग टू में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, तो एस के जगह पे क्या लिखेंगे, थ्री प्लस टी लिखेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, अपॉन थ्री प्लस टी अपॉन टू इज इक्वल टू सिक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो क्या करना है हम लोग को, एलसीएम लेना है, तो थ्री और टू का एलसीएम कितना होता है, सिक्स होता है, सो थ्री टू जै सिक्स, डिवाइड करेगा टू टाइम्स, यहाँ लिखो टू थ्री प्लस टू टी प्लस टू थ्री जै सिक्स होता है, तो यहाँ हो जाएगा थ्री टी इज इक्वल टू सिक्स, सो दिस इज सिक्स प्लस टू टी प्लस थ्री टी इज इक्वल टू सिक्स इंटू सिक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा ये, ठीक है, सो यहाँ पर हो जाएगा सिक्स प्लस फाइव टी इज इक्वल टू थर्टी सिक्स, दिस इम्प्लाइज फाइव टी इज इक्वल टू थर्टी सिक्स माइनस सिक्स, दिस इम्प्लाइज फाइव टी इज इक्वल टू थर्टी, इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा थर्टी अपॉन फाइव इज इक्वल टू सिक्स, देखो कितना सिंपल है, टी निकल गया हम लोग का सिक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थ्री, फ्रॉम इक्वेशन थ्री, ठीक है, हम लोग का एस का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, एस इज इक्वल टू, ठीक है, वैल्यू डाल दो उसमें, ठीक है, एस इज इक्वल टू थ्री प्लस सिक्स इज इक्वल टू नाइन, ठीक है, तो हम लोग का बच्चों यहाँ पे एस का वैल्यू आ गया कितना, नाइन, और टी का वैल्यू आ गया सिक्स, तो ये हम लोग का सॉल्यूशन है, राइट। सो दो पार्ट हम लोग कर लिए बच्चों, चलो अब करते हैं तीसरा और चौथा पार्ट। ना बच्चों पार्ट थ्री देखो, पार्ट थ्री में क्या है, ये हम लोग का थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री एंड नाइन एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन, अगेन इसको बोल दो इक्वेशन वन, इसको बोल दो इक्वेशन टू, ठीक है, यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन वन वी हैव, ये हो जाएगा बच्चों वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस थ्री, ठीक है, हम लोग को क्या करना था, एक को दूसरे के फॉर्म में चेंज करना था, तो हम लोग वाई को एक्स के टर्म में लिख लिए, वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस थ्री, इसको वाई को हम लोग इधर लेके आए और थ्री को हम लोग इधर लेके गए, ठीक है, सो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन थ्री, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन टू वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को, अगर थ्री को हम लोग टू में पुट कर दे तो, ठीक है, बस वाई की जगह पे इसको बिठा दो थ्री एक्स माइनस थ्री को, तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पे नाइन एक्स माइनस थ्री, और फिर ब्रैकेट में लिखो यहाँ पे वाई की जगह पे थ्री एक्स माइनस थ्री, थ्री एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू नाइन, ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे हो जाएगा नाइन एक्स माइनस नाइन एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू नाइन, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइन एक्स प्लस में है और यहाँ नाइन एक्स माइनस में है, सो दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस नाइन इज इक्वल टू नाइन, दिस इम्प्लाइज नाइन इज इक्वल टू नाइन, ठीक है बच्चों। अब क्या मिला हम लोग को, नाइन इज इक्वल टू नाइन मिला, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, नाइन तो नाइन के बराबर ही होता है, ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है, तो जब भी ऐसा आंसर आप लोग को मिले कि समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चों कि ये, ठीक है, कौन सा केस है, ये हम लोग का इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन वाला केस है, मतलब जो दोनों इक्वेशन यहाँ पे दिया है हम लोगों को, ये वाला इक्वेशन वन इक्वेशन टू दोनों क्या है, ग्राफिकली इसको अगर हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करें मतलब, तो हम लोग को मिलेगा कोइंसिडेंट लाइन, मतलब इसका होगा इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन, और जब भी इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा तो आप लोगों को कुछ ऐसा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, सो यहाँ लिख दो देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, फिर भी आप लोग को अगर आंसर चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखते हैं इसका, बट ध्यान में रखो कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, ठीक है, इन्फिनेटली मैंने सोल्यूशन है वो कैसे हम लोग का, ठीक है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे कोएफिशिएंट को कंपेयर करो, ठीक है, इसका रेशियो को कंपेयर करो, यहाँ पे क्या आएगा थ्री बाई नाइन, यहाँ पे क्या आएगा माइनस वन बाई माइनस थ्री, यहाँ पे थ्री बाई नाइन, मतलब ये भी क्या है वन बाई थ्री है, वन बाई थ्री है, वन बाई थ्री है, मतलब ये तीनों बराबर है, मतलब ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, मतलब ये वही कैसे अपना इन्फिनेटली मैंने सोल्यूशन कॉन्स्टेंट लाइन्स वाला, ठीक है,
फिर भी हम लोगों का वैल्यू चाहिए तो याद रखना हमेशा एक बात, इन्फिनिटी मैंने सॉल्यूशन में से हम लोग एक आधा वैल्यू लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम लोग किसी भी इक्वेशन से वैल्यू निकाल लें, ठीक है, तो दोनों पे एग्जिस्ट करेगा क्योंकि लाइन सर कॉन्सिडेंट एक दूसरे पे सुपर इम्पोज है ना, तो इसका जो भी पॉइंट होगा इस पर भी होगा, इसका जो भी पॉइंट होगा इस पर भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लो, अगर हम लोग यहाँ से निकालें, ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से निकालें एक्स का वैल्यू पुट करें हम लोग वन, ठीक है, अगर हम लोग एक्स का वैल्यू वन पुट करें तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो एक पॉसिबल सॉल्यूशन, ठीक है, एक पॉसिबल सॉल्यूशन उसका ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट जो है दोनों पर लाइक करेगा। अब इसको चेक कर लो इस पर डाल के, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे एक्स का वैल्यू वन डालते हैं, ठीक है, तो वाई का वैल्यू जीरो आएगा। देखो यहाँ पे नाइन इंटू वन माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन, ठीक है, सो थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो, सो वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ भी क्या हुआ, दूसरे वाले इक्वेशन में हम लोग अगर एक्स का वैल्यू वन डालें तो वाई का वैल्यू जीरो आ गया, ठीक है, दोनों पे है, दोनों में कॉमन है एग्जैक्टली ये, सो लाइन्स आर कॉन्सिडेंट। और जब भी ऐसा केस आप लोगों को दिखे समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, तो आप लोग आराम से बोल सकते हैं द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन, राइट बच्चों, ठीक है। चलो हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, पार्ट फोर, ठीक है। पार्ट फोर में क्या है, देखो अब डेसिमल में दिया है बच्चों, यहाँ पे 0.2 एक्स प्लस 0.3 वाई इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4 एक्स प्लस 0.5 वाई इज इक्वल टू 2.3, ठीक है, दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू। बहुत सारे बच्चे इससे कंफर्टेबल नहीं होते हैं, मतलब डेसिमल से कंफर्टेबल नहीं रहता है, ठीक है, तो दो तरीका है इसको करने का, ठीक है। पहला तरीका तो है कि हम लोग इसी को ट्रांसफॉर्म कर ले, मतलब वन को हम लोग वन में क्या करें, वाई एक्स को वाई के टर्म में या फिर वाई को एक्स के टर्म में लिख ले और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल ले, जैसे यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि डेसिमल को हटा दो, ठीक है, डेसिमल को हटा ही दो, तो यहाँ पे हम डेसिमल को हटा के कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू कैन बी रिटन एज 2/10 एक्स प्लस 3/10 वाई इज इक्वल टू 13/10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चाहेंगे तो 10 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, हम लोग का बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 3, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन 3। अब सिंपल हो गया ना, डेसिमल में था, अब सिंपल हो गया ये। नाउ अगेन फ्रॉम इक्वेशन टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/10 एक्स प्लस 5/10 वाई इज इक्वल टू 23/10। अब यहाँ से भी 10 कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड में 10 है बच्चों, तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, इसको 4 मान लो, इसको 4 मान लिए। अब हम लोगों को क्या सॉल्व करना है, हम लोगों को सॉल्व करना है इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग 1 और 2 को हम लोग 3 और 4 में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं और 2 को 4 की तरह लिख सकते हैं, ठीक है, डेसिमल को हटा के इस तरह से इसको हम लोग लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे यहाँ पे इक्वेशन 3 को, फ्रॉम इक्वेशन 3 अब क्या करो, यहाँ पे x को y के टर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, अब इसको x को y के टर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, जब y को x के टर्म में कर लेते हैं जैसे हम लोग सब में कर रहे हैं, तो यहाँ लिखो 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x, सो y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3, सो बच्चों y का वैल्यू ये आ गया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4 में, डूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4 वी गेट, ठीक है, क्या मिलेगा, 4 में डाल देंगे तो y को उठा के, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखो 4x प्लस 5, जो y का वैल्यू हम लोगों का कितना है 13 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 23। अब सिंपली हम लोग उसको सॉल्व करना है, ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम लो, क्योंकि इसके नीचे तो 1 होगा,
तो हम लोग 3 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12x प्लस, अब यहाँ पे हो जाएगा 5, 13 जा 65, ठीक है, माइनस 10x इज इक्वल टू 23, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखो 12 माइनस 10x कितना होता है बच्चों, 2x प्लस 65 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 69, सो x इज इक्वल टू 69 माइनस 65 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू, ठीक है, कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 4, सो x का वैल्यू यहाँ से हम लोग को मिलेगा बच्चों 2, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग को कितना मिला, 2 मिला। नाउ अब यहाँ पे कर लो, यहीं कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसको नाउ y कितना हो जाएगा बच्चों, y हो जाएगा 13 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3, सो दिस इज 13 माइनस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 9 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो हम लोगों को क्या मिला यहाँ पे, हम लोग को मिला x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, ठीक है बच्चों। तो इस ऐसे किए हम लोग, डेसिमल को हटा दिया, डेसिमल को रिमूव करके, ठीक है, नया इक्वेशन बनाए और फिर इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन से किए। बट एक पॉसिबिलिटी था यहाँ पे, जैसे हम लोग पहला बात किए थे, तो पॉसिबिलिटी ये था बच्चों कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसको ऐसे लिखते, मतलब y का वैल्यू, ठीक है, y को लिखते x के टर्म में, कैसे, ऐसे 1.3 माइनस 0.2 x अपॉन क्या जो भी है y का कोफिशियंट 0.3, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, इसको उठा के यहाँ डाल देते हैं, ठीक है, तब भी बन जाता, तब भी हम लोग का ये आंसर आता। बट बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है इसमें, ठीक है, डेसिमल को लेके, इसलिए इसको यहाँ पे हम लोग इस तरह से किए, डेसिमल को रिमूव ही कर दिए, राइट बच्चों। सो आप लोग कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। चलो हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट ना बच्चों, पार्ट फाइव देखो, पार्ट फाइव में क्या है, पार्ट फाइव में दिया हुआ है रूट टू एक्स, ठीक है, प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ ध्यान दो, रूट टू और x को जब भी लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे, x को रूट के अंदर मत डालना, ठीक है, ध्यान से उसको बाहर लिखना, रूट के बाहर होना चाहिए x और y, ठीक है। सो ये हम लोग का इक्वेशन वन हो गया और ये इक्वेशन टू हो गया, राइट ना बच्चो। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अगेन यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है, वी हैव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस रूट टू एक्स, इसको हम इधर लिखेगा, वाई को एक्स के टर्म में लिखना हम लोग, ठीक है, दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू माइनस रूट टू अपॉन रूट थ्री एक्स, इसको मान लेते हैं 3, ठीक है। फिर लिखेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, वी गेट क्या मिलेगा हम लोगों को, इसको 3 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, सो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट, माइनस रूट एट इंटू माइनस रूट टू अपॉन रूट थ्री और यहाँ पे एक्स, ठीक है, ये मिला हम लोगों को इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज रूट थ्री एक्स माइनस, ये हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा रूट 16 मतलब 4 अपॉन रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ पे अब 1 है तो एलसीएम ले लो, रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है, सो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस यहाँ हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज 7x इज इक्वल टू यहाँ पे 0 इंटू रूट थ्री, दिस इम्प्लाइज 7x इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो x कितना आ गया बच्चों, x यहाँ पे 0 आ गया, जब x 0 आ गया तो हम लोग इस वैल्यू को उठा के जब 3 में पुट करेंगे, जब x का वैल्यू 0 लिखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ फ्रॉम थ्री वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस रूट टू अपॉन रूट थ्री इंटू 0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0,
हम लोग को दो वैल्यू मिला, ठीक है। यहाँ पे दोनों क्या है, जीरो है, एक्स और वाई दोनों क्या है यहाँ पे, जीरो है, राइट। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो, पार्ट सिक्स, ठीक है। पार्ट सिक्स हम बच्चों फ्रैक्शन में आएंगे, ठीक है। सो पहला इक्वेशन लिखो यहाँ पे, 3x माइनस टू माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। अगेन दूसरा पार्ट क्या है, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, राइट बच्चों। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, ट्रांसफॉर्म करो इसको, y को x में चेंज करो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y अपॉन 3, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये भी प्लस, माइनस में तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x अपॉन 2 प्लस 2, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे सॉल्व कर लो इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम लेकर हम लोग, ठीक है, एलसीएम ले लिए 2, फिर उसको ऐसे लिख लिए, ठीक है। सो 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4 अपॉन 2, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 9x प्लस 12 अपॉन 10, ठीक है। क्या होगा बच्चों, 3 इज़ 9 एंड 4 इज़ 12, 9x प्लस 3 और अपॉन क्या हो गया यहाँ पे, 10 हो गया, 5 ये इधर गया तो 10 हो गया, ठीक है। अब y तो हम लोग को मिल गया, इसको 3 बोल दो। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग 3 इन 2 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, 3 को 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको उठा के इसमें डालना है हम लोग को, ठीक है, इसको उठा के इसमें डालना है। सो यहाँ पे लिखो x अपॉन 3 प्लस y का जो भी वैल्यू है 9x प्लस 12 अपॉन 10, ठीक है। ये नहीं, y का वैल्यू है यहाँ लिख देंगे हम लोग, इसको उठा के, ठीक है, y की जगह पे, और यहाँ क्या हो जाएगा, अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, ओके बच्चों। सो अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, इसको यहाँ पे करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे करते हैं, इसको यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखो x अपॉन 3, ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 9x प्लस 12 अपॉन, अभी देखो 10 है ना, नीचे आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20। इस पर ध्यान देना बटो, छोटा छोटा कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है, एग्जैक्टली ये 10 जो है नीचे चला जाएगा, ठीक है। और लाइन को प्रॉपरली देना कि दिखाई दे, समझ में आया कि ये ऊपर का पार्ट है, ब्रैकेट में डालना है इसको, ठीक है। सो यहाँ क्या हो जाएगा, 13 अपॉन 6। सो हम लोग इसको फिर से सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो 3 और 20 का एलसीएम कितना होगा बच्चों, दिस इज 60, सो 3 20 इज 60, सो यहाँ हो जाएगा 20x प्लस यहाँ हो जाएगा 9x प्लस, और सॉरी 9 नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 3, 23 या 60 होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा 3 9x प्लस 12, ठीक है, अपॉन 13 बाई 6। सो बच्चों यहाँ हो जाएगा 20x प्लस 27x प्लस 36, ठीक है, अपॉन 60 इज इक्वल टू 13 बाई 6। सो यहाँ पे हो जाएगा 20 एंड 27 इज 47x प्लस 36, और यहाँ पे लिख दो 6, क्योंकि यहाँ से कॉस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, और 13 इंटू 60, सो दिस इज 7 6 42, कैरी 4 एंड 24 28 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, 282x प्लस 36 36 एंड 18 21, 216 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 780, ठीक है। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 780 माइनस 216 अपॉन 282, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 से 6 गया 4, ठीक है, 7 से 1 गया 6, ठीक है, अगेन 7 माइनस 2 5 अपॉन 282,
सो इसको कट करेंगे हम लोग, ठीक है। सो यहाँ हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स में जाएगा ये। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2, तो एक्स का वैल्यू कितना है 2 आया। सो यहाँ से वाई निकाल लो नाउ फ्रॉम 3, वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 9 × 2 + 12/10, सो दिस इज 18 × 12 = 30, 30/10 इज इक्वल टू 3। सो y का वैल्यू कितना आया, 3 आया बच्चों। सो देयरफॉर x का वैल्यू कितना है, 2 है, तो y का वैल्यू कितना है बच्चों, 3 है। फाइन, तो ऐसा ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, मेंटली प्रिपेयर रहो बच्चों, मेंटली प्रिपेयर रहो, ठीक है। ऐसा ऐसा कैलकुलेशन हम लोगों को करना पड़ सकता है जहाँ पे बड़ा बड़ा मल्टीप्लीकेशन हो, ठीक है। सो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, हम लोग 6 पार्ट कर लिए बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों क्या है, सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, विद द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। उसके बाद फिर x और y के वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करके m का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले दोनों को लिख लो, ठीक है, जो दिया हुआ है 2x + 3y = 11, ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा बच्चों, और 2x - 4y = -24, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। वही काम करते हैं फिर, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव क्या है 2x + 3y = 11। सो y को x के टर्म में लिख लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3y = 11 - 2x, सो y इज इक्वल टू 11 - 2x / 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ये तीसरा इक्वेशन हो गया हम लोगों का। नाउ अब यहाँ पे लिखो सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को 3 को 2 में पुट कर देंगे तो y की जगह पर डालो इसको, तो ये हो जाएगा 2x - 4 11 - 2x / 3 इज इक्वल टू -24, राइट। ब्रैकेट में डालना है इसको क्योंकि साइन में गलती नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। सो सॉल्व करो इसको, क्या हो जाएगा यहाँ पे तो 1 नीचे में है, तो ठीक है एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है 3 LCM आएगा, ठीक है 3 LCM आएगा, 3 लिखो यहाँ पे। सो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 6x, यहाँ अगेन -4, यहाँ पे 11 - 2x, ठीक है 2x = -24, ठीक है बच्चों। तो ऐसा यहाँ पे आया हम लोगों का। नाउ यहाँ पे देखो, नाउ यहाँ पे लिखो 6x - 44 + 8, सो 8x / 3 = -24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14x - 44 = इधर ले जाके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -72, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 14x = -72 + 44, ठीक है। माइनस तो प्लस आके प्लस बन के इधर आएगा बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 14x = -28, ठीक है। -72 + 44 = -28, सो वैल्यू ऑफ x इज -28/14 = -2, तो x का वैल्यू हम लोग आ गया -2। नाउ फ्रॉम 3 राइट हियर, फ्रॉम 3 वी हैव y = 11 - 2 × -2/3, सो दिस इज 11 + 4/3 = 15/3 = 5, ठीक है। सो हम लोग का x का जो वैल्यू है बच्चों कितना आया, 2 आया, और y का जो वैल्यू है वो आया कितना, 5, तो x 2 and y 5, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करना है, m का वैल्यू निकालना है फॉर विच y = mx + 3। नाउ गिवन y = mx + 3, ये दिया हुआ है ना y = mx + 3, सो हम लोग के पास दोनों है, अभी x भी है y भी है, तो m आराम से निकल जाएगा। नाउ
यहाँ पे क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो एक्स और वाई का वैल्यू, तो क्या मिलेगा हम लोग को, वाई का वैल्यू 5 मिलेगा इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू कितना है 2 है, सो 2m प्लस 3, ठीक है, सो दिस इज 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2m, दिस इम्प्लाइज 2m इज इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर m इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा, ठीक है, तो x y भी निकल गया और m भी निकल गया हम लोग का, ठीक है। सो सिंपल था बच्चों, बहुत ईजी था सब्स्टिट्यूशन मैथड हम लोगों का, ठीक है। अब कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम है जो हम लोग अगले सेशन में करने वाले हैं, तो सेशन को ज़रूर से देखना, और अगर अच्छा लगा होगा आज का सेशन तो शेयर कर देना, ठीक है, लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।